गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लाइटनिंग के बारे में। लाइटनिंग आप अच्छी तरह से जानते हैं किसे कहते हैं, ठीक है। अब वो कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। वुजमल और गगराए, आप जो कश्मीरी में, आपको ये वर्ड्स आपको काफ़ी जानते होंगे, तो इन्हीं चीज़ों के बारे में, लाइटनिंग होती हैं जो हमारी वुजमल हो जाती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। जो देखिए, अभी तक हमने चार्ज के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा है, एक्सपेरिमेंट्स में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट एक्टिविटीज़ की हैं हमने। वहाँ पे पाया कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। दोनों ही आपस में अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी हमारी जो है प्रोड्यूस हो रही है, काफ़ी चीज़ें जो है वहाँ पर होती हैं। सेम चीज़ लाइटनिंग के केस में भी होता है। आपको पता है जब बारिश आती है, ड्यूरिंग रेन द एयर कंटेंट्स मूव अपवर्ड्स, जो एयर कंटेंट्स जो होते हैं वो ऊपर की ओर जाते हैं, और वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, जो कि रेन इन द फॉर्म ऑफ रेन, बारिश के रूप में जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो नीचे को आने लगते हैं, ठीक है, ज़मीन की ओर, नीचे की ओर जाने लगते हैं। अब इस प्रोसेस के दौरान होता क्या है, जो चार्ज होता है वो अलग होने लगता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो एकोमुलेट होने लगता है अपर लेयर, जो क्लाउड होते हैं उसके अपर लेयर में वो क्या होने लगते हैं, एकोमुलेट होने लगते हैं। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। अब जो ये बादल है, जब बारिश नीचे आने लगती है, ठीक है ना, जो बादल का ऊपरी हिस्सा होता है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एकोमुलेट होने लगता है, और नीचे की ओर क्या होने लगता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, एकोमुलेट होने लगता है नीचे वाले लेयर पे, नीचे साइड पे। अब होता क्या है, जब बारिश तो नीचे जा रही है, जो ग्राउंड है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एकोमुलेट होने लगता है, ठीक है। अब जो मैग्नीट्यूड होता है दोनों चार्जेस का, ये आहिस्ता 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 जो ही बारिश तेज़ होती जाती है, ये मैग्नीट्यूड भी बढ़ता जाता है, ठीक है। ये कब बढ़ता रहता है, बढ़ता जाता है जब बारिश का इंटेंसिटी बहुत तेज़ होता है। अब इसी दौरान होता क्या है, जो हवा है, हमें तो पता है हवा जो है ये पावर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, मगर होता क्या है, आहिस्ता आहिस्ता इस ज़्यादा बारिश की वजह से क्या होता है, ये अपनी रेजिस्टेंस जो है ये खोने लगता है, इसकी रेजिस्टेंस कम होने लगती है, जिसकी वजह से ये कंडक्ट करने लगता है, ये कंडक्ट करने लगता है, यानी कि बैड कंडक्टर से ये गुड कंडक्टर बनने लगता है। अब होता क्या है उसके बाद, जब एयर बिगेंस टू कंडक्ट, ठीक है, हवा जो है जब कंडक्ट करने लगा था, और हमें पता है जो नीचे हैं ज़मीन के ऊपर वो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, और ऊपर जो ये ऊपरी जो बिलो लेयर थी हमारे क्लाउड्स की, वहाँ हमें पता है वो नेगेटिव चार्ज है उसमें। अब होता क्या है, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ मिल जाता है, क्या करने लगता है, मिल जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रीक्स ऑफ लाइट गेट्स प्रोड्यूस्ड, डिफरेंट लाइट्स प्रोड्यूस्ड होने लगती है, और ये जो है दिस इज द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। होता क्या है, वहाँ पे वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने लगता है, और इसी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को हम लाइटनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइटनिंग। सो हम ऐसा कह सकते हैं, जो द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन ऑकर बिटवीन क्लाउड्स एंड अर्थ सर्फेस और इवन बिटवीन टू क्लाउड्स, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर लुकिंग एट द इंटरेक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। मैं यही बताता हूँ, पॉजिटिव चार्ज ऊपर एक्युमुलेट हो रहा है, नीचे नेगेटिव, इनका भी आपस में टकराने से भी वही चीज़ हो जाता है, ठीक है, हमने देखा है आसमान पे, ठीक है। या हम जब कहते हैं कि वो नीचे ज़मीन पे भी क्या होता है, ये चीज़ें हम ज़मीन पे भी देखते हैं, क्यों, क्योंकि उसका जो नेगेटिव चार्ज है वो लोअर लेयर पे होता है, ज़मीन के ग्राउंड जो हमारा पॉजिटिव चार्ज एकोमुलेट हो रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंटेंसिटी बढ़ने से हवा में
क्या कहते हैं इसको, रेजिस्टेंस कम होने लगती है, वो कंडक्ट करने लगता है और बिजली गरजने लगती है। ठीक है, सो दिस इज हाउ इलेक्ट्रिक लाइटनिंग इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हमारा जो है, हमें क्या करना चाहिए इस दौरान, लाइटनिंग के दौरान में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें जब लगता है कि बहुत तेज़ बारिश आने वाली है, इस तरह का मौसम बन रहा है, तो हमें सबसे पहले अपनी किसी सेफ जगह पे रहना चाहिए, पहुंचना चाहिए, चले जाना चाहिए। जनरली लाइटनिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय थंडर विच सर्व्स एज एन अलर्ट टू हाइड इन क्लोज बिल्डिंग। यानी कि जो हमें पता, लाइटनिंग से पहले जो है आपको पता है वो थंडरिंग वगैरह आने लगती है। ठीक है, थंडरिंग बारिश बारिश तो आपको अनुमान लगा ही लेते हो कि कुछ मौसम जो है ख़राब हो रहा है, तो उससे अच्छा है जो क्लोज्ड बिल्डिंग है वहाँ पे फटाफट पहुँच जाए। ए हाउस और ए बिल्डिंग और ए कार विद क्लोज विंडो, घर के अंदर, बिल्डिंग जो अंदर, हाँ कार में भी आप सेफ रख सकते हो, बट उसकी खिड़कियाँ आपको टोटली बंद रखनी है, ओपन आप नहीं रख सकते हो। ठीक है ना, डोर्स इज अ सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग द लाइटनिंग। ठीक है ना, यह जगह जो है आप सेफ रह सकते हो लाइटनिंग के दौरान। इफ़ यू डोंट फाइंड अ प्लेस टू हाइड, जस्ट स्क्वैट ऑन द ग्राउंड और हाइड अंडर शॉर्टर ट्रीज। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं कुछ मिल रहा है तो आप एकदम से नीचे बैठ के, झुक के, सर नीचे करके, घुटनों के बल नीचे, घुटने नहीं, घुटने फोल्ड करके, पैरों के बल आप बैठ सकते हो सर झुका के, या बिल्कुल छोटे छोटे पेड़ जो होंगे, बिल्कुल छोटे, बड़े पेड़ के साथ नीचे तो आप बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते हैं। क्यों नहीं बैठ सकते, वो हम आगे डोंट्स में पढ़ेंगे। तो वो चीज़ आप कर सकते हो वहाँ पे अपने आप को बचाने के लिए। अब जो नहीं करना चाहिए, ज्यूरिंग लाइटनिंग नो ओपन प्लेस इज सेफ। जो खुले मैदान है वो आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि जो ग्राउंड है वो पॉजिटिव चार्ज से भर जाता है, इजीली कैचअप कर लेता है लाइटनिंग को, नेगेटिव चार्ज के साथ इंटरेक्शन होता है, लाइटनिंग प्रोड्यूस होगी। ठीक है, जिसकी वजह से हादसे हो सकते हैं। सो अवॉइड ओपन फील्ड्स एंड ओपन टेरेस, दोनों चीज़ें अवॉइड। ठीक है ना, ओपन व्हीकल्स, मोटर बाइकल, बाइक है, स्कूटर्स है, ओपन कार्स, ये भी आपको टोटली अवॉइड करने चाहिए। ठीक है, नेवर स्टैंड अंडर टॉल ट्रीज, जो लंबे ट्रीज होते हैं उनके नीचे भी आप नहीं बैठिए, क्योंकि वो जब उसमें पानी गिरता है वो चार्ज वहाँ पे एकुमुलेट होता है, जिसकी वजह से इजीली लाइटनिंग का प्रोड्यूस हो सकती है। डोंट कैरी अम्ब्रेलाज, आप अम्ब्रेलाज भी मत कैरी करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस में तो आप बाहर ना निकलें तो वो ही ज़्यादा ठीक है। डोंट लाई डाउन ऑन द ग्राउंड, एकदम से जीके नीचे बैठ के लेटे ना वहाँ पे। ठीक है ना, अवॉइड बाथिंग ज्यूरिंग थंडर स्टॉर्म्स, नहाना भी मना है। क्यों? रनिंग वाटर के साथ इलेक्ट्रिक चार्ज के जो है वो कंडक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है वो, क्योंकि वो गुड कंडक्टर है, वो इजीली आपको करंट दे सकता है। और अवॉइड कॉन्टैक्ट विद ए मेटल वायर्स, जितने भी मेटल वायर्स हैं वो उनके साथ कॉन्टैक्ट भी आप छोड़ दीजिए। इसलिए कहते हैं टीवी बंद रखिए, मोबाइल फ़ोन का यूज़ ना करें ऐसे टाइम पे, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे लाइटनिंग कंडक्टर्स। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।